Yes, sir. Yes, sir. Okay. Recall, please. Make it recall, 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 recall. सर सर वो इलास्टिसिटी क्या होता था सर? प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी टू रेजिस्ट चेंज। या ऐसा बोल सकते हैं, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी, प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इच, बाय वर्च्यू ऑफ ए विच इट रीगेन्स, क्या बोलते हैं इसको, रीगेन्स इट ओरिजिनल। ओरिजिनल साइज एंड शेप इज नोन एज इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी। ओके सर, ओके ओके सर, इसी के लिए हमने फिर बात करी थी सर दो फोर्सेस की। एक फोर्स का नाम था सर डिफॉर्मिंग फोर्स, और एक फोर्स का नाम क्या था सर? एक्सटर्निंग डिस्टोरिंग। डिफॉर्मिंग फोर्स एक तरह की कैसी फोर्स थी? अच्छा, एक्सटर्नल फोर्स। इट रीगेन इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ, भी लिखना है ऑन रिमूवल ऑफ दी, डिफॉर्मिंग फोर्स। ये बहुत जरूरी लाइन है। अपने आप थोड़ी, डिफॉर्मिंग फोर्स कैसी फोर्स होती थी? एक्सटर्नल। और सर ये कैसी होती थी? इंटरनल। इंटरनल। याद है सबको? यही ये सुनो, बोल दो। यस सर। और यस डिफॉर्मिंग की सर। वजह से प्रेशर होता था या स्ट्रेस होता था? प्रेशर। प्रेशर। और रीस्टोरिंग की वजह से ट्रेस। स्ट्रेस। सबको समझ में आ रही है ये बात? यस और नो? यस सर। यस। यस अरे थोड़ा जोश सर। लाओ, अपना इमोजी भेजो बर्थडे वाला, थोड़े पटाखे पटुखे बजाओ, देखते हैं फिर जोश लाते हैं थोड़ा। है यस सर, यस सर, क्या होता है? हाँ अब बताओ, रीस्टोरिंग की वजह से कौन सी चीज होती थी? स्ट्रेस या प्रेशर? सब बोलेंगे स्ट्रेस। स्ट्रेस। स्ट्रेस, हाँ। तो चलिए सर, उसके बाद सर स्ट्रेस, इतना ही तुम बार बार स्ट्रेस बोल रहे हो, तो आओ स्ट्रेस के ऊपर ही बात कर लेते हैं। इसका फॉर्मूला, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स इसके मॉड सर तीन तरह की बात एरिया। करी थी हमने। पहला स्ट्रेस कौन सा पढ़ा था सर? लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस। या लॉन्गिट्यूडनल बोल दो नॉर्मल नॉर्मल, स्ट्रेस। इसका नॉर्मल। फॉर्मूला क्या था सर? हाँ, नॉर्मल फोर्स अपॉन नॉर्मल एरिया। नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। नॉर्मल एरिया नहीं, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया। एरिया तो हमेशा सरफेस के नॉर्मल ही होता है। सेकंड सर क्या बोलेंगे? सेकंड कौन सा स्ट्रेस? टेंजेंशियल स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल दो या शियर टेंजेंशियल स्ट्रेस बोल दो। तुम टेंजेंशियल बोल रहे हो तो हम टेंजेंशियल लिख देते हैं। टेंजेंशियल स्ट्रेस, इसका फॉर्मूला सर, फोर्स टेंजेंशियल फोर्स अपॉन एरिया। अपॉन एरिया। नेक्स्ट सर, नेक्स्ट। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अच्छा स्ट्रेस या बल्क हाँ, अब इसके लिए स्ट्रेस। दूसरा, वॉल्यूमेट्रिक अच्छा नाम नहीं है वैसे इसका, और वॉल्यूमेट्रिक भी बोल सकते हो इसको, बल्क स्ट्रेस भी बोल सकते हो, और इसका जो असली नाम है वो भी बोल सकते हो, हाइड्रोलिक स्ट्रेस। क्या बोलते हैं इसको? हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक स्ट्रेस। ये होता तो नॉर्मल हाइड्रोलिक स्ट्रेस का ही पार्ट है, स्ट्रेस। बट इसको अलग से लिख देते हैं। आइए, इसका फॉर्मूला सर क्या होगा? इसको फोर्स लिखते थे अपॉन डेल्टा पी एरिया। से, और इसको क्या बोलते थे सर? एक्सेस मैंने कहा था इसको प्रेशर। नेक्स्ट नेक्स्ट जब हम क्वेश्चंस की बात करेंगे तब इसको डिटेल में भी पढ़ेंगे, बट रखना कि यस सर हर सर। जगह से इसके ऊपर प्रेशर लगता है, तो इसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है, लेकिन वो प्रेशर के एक्सेस के कारण। पहले जो प्रेशर हो रहा था और बाद में जो प्रेशर का एक चेंज हो रहा है सर, प्रेशर के एक्सेस के कारण उसकी शेप चेंज हो रही है, तो हाइड्रोलिक स्ट्रेस और कुछ नहीं है, प्रेशर का चेंज होना। मतलब एक्सेस प्रेशर की जो वैल्यू है वही क्या है? हाइड्रोलिक स्ट्रेस। वही क्या है हमारे पास? हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक ठीक है सर, यहां तक क्लियर है? अब आ जाओ आगे, स्ट्रेस। अब थोड़ा सा आगे की बात करते हैं। एक सेकेंड रुकना। हुँ।
जय श्री राम जय श्री राम जय। चलिए भाई एक चीज, मेरे को एक चीज भेजने दो, एक बच्चे को। तुम्हारे से बात करते करते याद आ गया मेरे को। चलिए सर, आइए सर, करे बात। अब आएगा मैसेज तो हमें दिख जाएगा, हमने खोल दिया। हाँ अब मेरे को बताओ, यहां तक तो सर सब बच्चे को क्लियर है, स्ट्रेस स्ट्रेन। अब बात करते हैं सर स्ट्रेस और स्ट्रेन की, किसकी, स्ट्रेस और स्ट्रेन की स्ट्रेस क्या है सर उसके बारे में। सर अब हम बात करेंगे स्ट्रेस और स्ट्रेन की कर्व की, स्ट्रेस और स्ट्रेन, स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन कर्व। अभी तक देखना हम एक हुक्स लो होता है, आपको पता है क्या हुक्स लो क्या होता है। सर यस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यहाँ से हमको वो करना पड़ेगा। चलिए कोई नहीं, लिमिट स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्ट्रेन के। तो स्ट्रेस हटा के स्ट्रेस ये बात बात करते हैं, इसका मतलब सर जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा वैसे वैसे स्ट्रेन भी बढ़ेगा, जैसे जैसे स्ट्रेन बढ़ रहा है वैसे वैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है इसका मतलब। हालांकि हर बार जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो एक इंडिपेंडेंट होता है एक डिपेंडेंट होता है, इसमें हम अभी वो बात नहीं कर रहे। स्ट्रेस और स्ट्रेन, तो ये ग्राफ कैसे बनेगी बीच में लाइन इनकी, बिल्कुल सीधी, यस और नो। स्ट्रेस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो क्या कर्व ऐसी नहीं बननी चाहिए, यस सर, ऐसी बनेगी सर, ऐसी ही बनेगी, लेकिन हमेशा नहीं, बट अभी तो हमें लग रहा है। तो ओ से लेकर ए पॉइंट तक ये कर्व ऐसी बन रही है, तो इसको क्या कहेंगे सर, ये लीनियर रिलेशनशिप फॉलो कर रही है। कैसा, लीनियर तो यहां रिलेशनशिप पर कौन सा लो वैलिड है, ओ से ए तक कौन सा लो वैलिड है, हुक्स लो वैलिड है, लेकिन हमेशा नहीं। क्या होता है इसका मतलब कि भाई मैंने स्ट्रेस बढ़ाया तो मेरा स्ट्रेन बढ़ा, मेरा स्ट्रेस बढ़ाया तो मेरा स्ट्रेन बढ़ा, मेरा स्ट्रेस और बढ़ाया स्ट्रेन और बढ़ा, स्ट्रेस और बढ़ाया एक स्ट्रेन और बढ़ा, लेकिन अभी तक ए तक ओ से लेकर ए तक मैंने कभी पर भी गया स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन मेरा बढ़ा ही है। क्या हुआ है सर, अगर स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन बढ़ा ही बड़ा है। तो मतलब अगर मान लो ओ से ए के बीच में बहुत सारे पॉइंट है, 1 2 3 4 5 6 7, मान लो मैं सेकंड पॉइंट पे हूं, मैंने स्ट्रेस इतना है और मेरा स्ट्रेन इतना है, अगर मैंने स्ट्रेस लगाया तो स्ट्रेन आया होगा। अब ये स्ट्रेन है क्या चीज पता है, पता है किसी को, आप कह रहे हो सर स्ट्रेन आया है, मैं तुमको इसीलिए पूछ रहा हूं कि तुम लोगों ने बता दिया स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है, लेकिन स्ट्रेस तो आपने पढ़ा दिया, आपने क्या नहीं पढ़ाया सर अभी तक, स्ट्रेन तो फिर कैसे बता स्ट्रेन सकते हो कि कर्व कैसा है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। तुम्हें मेरे को बोलना चाहिए सर स्ट्रेन तो पढ़ाओ पहले, स्ट्रेन होता क्या है हमें यही नहीं पता, तो हम ये कैसे बता सकते हैं कि स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेन स्ट्रेन क्वेश्चन बनता था सर। यस सर आपने पूछना था, आइए सर इसीलिए इस ग्राफ को मैं धीरे धीरे कंप्लीट करूंगा जब हम स्ट्रेन को समझ जाएंगे। आओ इस क्वेश्चन से हम बाद में आएंगे क्योंकि आज हमारा मेन काम इसका है कंसेप्ट का। तो स्ट्रेस क्या है सर, स्ट्रेन क्या है, जितने तरह के स्ट्रेस थे मैंने कल भी बताया था उतने ही तरह के क्या होते हैं, स्ट्रेन। स्ट्रेन स्ट्रेन तो तीन तरह के स्ट्रेस पड़े तो तीन तरह के स्ट्रेन, तो पहला स्ट्रेन होगा सर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन का जनरल फॉर्मूला पता है क्या होता है, जनरल फॉर्मूला होता है इसका बच्चे, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आ रहा है स्ट्रेन का फॉर्मूला, यस और नो, चेंज इन कॉन्फ़िगरेशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन। अब अगर उस कॉन्फ़िगरेशन में हम लेंथ काउंट कर रहे हैं तो लेंथ, और वॉल्यूम काउंट कर रहे हैं तो वॉल्यूम। फॉर एग्जांपल अगर लेंथ चेंज हो रही होगी तो क्या लिख दोगे, चेंज इन लेंथ बाय
ओरिजिनल लेंथ, कोई मॉलिक्यूल शिफ्ट हो रहा होगा तो कुछ कुछ शिफ्ट हो रहा होगा तो शिफ्ट बाय में ओरिजिनल शिफ्ट, ओरिजिनल लेंथ। या बोल देंगे सर अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा होगा तो क्या लिख दोगे, चेंज इन वॉल्यूम बाय में ओरिजिनल वॉल्यूम। यस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन में इनमें से क्या होता है, उसमें याद होगा आपने हमने ये फिगर बनाई थी, याद है? यस सर, यस ये फिगर बनाई थी, और ये क्या है सर, फोर्स थी, दोनों साइड लग रही थी वैसे तो, ये फोर्स थी तो हम क्या लिखते थे सर यहाँ पर, लेंथ में चेंज होता है, क्या चेंज होता है सर, किस में चेंज होता है, लेंथ में, लेंथ में। तो पहले अगर इसकी लेंथ एल थी, अब हो गई मान लो एल प्लस डेल्टा एल, तो कितनी चेंज हुई, डेल्टा एल। तो इसलिए इसके स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या आ जाएगा सर, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का डेल्टा एल अपॉन एल, यानी क्या लिखूं अच्छे से लिखूं तो, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, तो इसको क्या लिख देंगे, डेल्टा एल अपॉन एल। अब सर नेक्स्ट की बात करते हैं, नेक्स्ट कौन सा स्ट्रेन होता है सर, वॉल्यूम स्ट्रेन, वॉल्यूम स्ट्रेन। इससे पहले क्या आता सर, शियरिंग स्ट्रेन, क्या बोलते हैं सर, शियरिंग स्ट्रेन, जिसके अंदर शियरिंग स्ट्रेस था। तो सर अब क्या था सर, इसके अंदर कुछ ऐसी फिगर बनाई थी स्ट्रेस में मैंने, याद रखो, तो मैंने इस वाले को यहां से फोर्स लगाई थी एफ, याद है? तो सर ये वाला पार्ट आगे की सर, मतलब इसमें थोड़ा सा मुड़ गया था ये पार्ट और आगे की तरफ हो गया था, राइट, लेकिन नीचे वाला पार्ट वैसे का वैसे रहा था, इसलिए वो शिफ्ट नहीं हुआ था, याद आया कुछ? यस सर, यस सर, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा सर, इसका स्ट्रेन में भी हो जाएगा सर, ये थीटा हो गया था। अब एक्चुअल में क्या हुआ है सर, कोई मैंने मटेरियल लिया है, उसको मैंने ऐसे फोर्स लगाई है सर, उसके टेंजेंशियली, उसके सरफेस के लोग, तो उसमें थोड़ा सा मोड़ दिया, उसको मैंने थोड़ा सा मोड़ दिया, लेकिन ये बहुत ज्यादा मोड़ नहीं सकता मैं, हर मटेरियल की अपनी एक स्ट्रेंथ होती है, इतनी सारी स्ट्रेंथफुल मटेरियल को मैं बहुत ज्यादा नहीं मोड़ सकता, बहुत ज्यादा आगे नहीं कर सकता, इसलिए यहाँ पर जो थीटा होगा वो क्या होगा, बहुत स्मॉल। तो अगर थीटा स्मॉल है तो टेंजेंट थीटा वही होगा जो थीटा होगा सर, टेंजेंट थीटा थीटा के इक्वल होता है और वही साइन थीटा के इक्वल होता है, याद है ना, मैथ्स में पढ़ते हो। तो सर अगर ये डिस्टेंस h है, हाइट h है, और ये डिस्टेंस कितना शिफ्ट हुआ है सर, ये पार्ट पर्टिकुलरली कितना आगे गया, कितना शिफ्ट हुआ है सर, x शिफ्ट हो गया, कितना शिफ्ट हो गया, x। तो सर x, इसमें x कितना मुड़ा है, यही इसका स्ट्रेन है, कितना मुड़ा है, कितने एंगल मुड़ा है सर ये, बोलो कितना एंगल मुड़ा है ये, थीटा, थीटा, तो थीटा ही इसका स्ट्रेन हो जाएगा, यही इसका क्या है, स्ट्रेन है, और थीटा की वैल्यू वही जो टेंजेंट थीटा की होती है, निकाल दो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर क्या है, एक्स, और बेस क्या है, एच, तो एक्स अपॉन एच कौन सा स्ट्रेन हो गया सर, शियरिंग, क्लियर है सबको, यस और नो, बाकी सब अपना इमोजी भेजो पहले, जिसको डाउट है वो हैंड रेस करो, जिसको डाउट नहीं है वो इमोजी भेजो, सॉरी। चले आगे, पक्का, चलो फिर देखते हैं, अगर ये चीज समझ में आ रही है तुम्हें, अगर किसी को डाउट हो तो पूछना। नेक्स्ट स्ट्रेस कौन सा है सर, नेक्स्ट ट्रेन कौन सा होगा सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, कौन सा सर, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, अब इसके अंदर क्या होता था सर, वॉल्यूम में चेंज होता था इसकी, तो वॉल्यूम में चेंज को कैसे लिखते थे, लेंथ की चेंज को डेल्टा एल बाय डेल्टा एल लिखा है, तो क्या लिखते हो, डेल्टा बी अपॉन वी, लेकिन जनरली कंप्रेशन ही देखते हैं हम, कंप्रेस होती है यानी वॉल्यूम में कमी होता है, इसलिए इसके आगे कौन सा साइन लगा देता हूं, नेगेटिव,
क्योंकि जनरली वॉल्यूम में कम ही होता है, अगर तुम्हें ऐसा एक्सेप्शन नहीं दिया होगा वैसे इसके अंदर, तो इसके आगे नेगेटिव लगा सकते। तो तीन तरह के स्ट्रेस थे, इसी वजह से तीन तरह के क्या आए हैं सर, स्ट्रेन आया है। और स्ट्रेन का मतलब क्या होता है सर, कितना कन्फिग्रेशन में चेंज आया डिवाइड बाय कितना ओरिजिनल कन्फिग्रेशन थी। तो पहले केस में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के केस में क्या किस चीज में चेंज आया सर, उसके लेंथ लेंथ में। इसलिए उसका फॉर्मूला क्या बन गया सर, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। शियरिंग में स्ट्रेन में उसके अंदर शिफ्ट आ गया, थोड़ा सा मुड़ गया सर, कितना मुड़ा सर, कितना आगे शिफ्ट हुआ, थीटा एंगल। तो थीटा ही उसका स्ट्रेन हो गया और उसका फॉर्मूला हमने निकाल दिया एक्स बाय एच। थर्ड केस में क्या चीज में चेंज आया, उसकी वॉल्यूम में, इसी वजह से हमने क्या लिखा सर उसको, डेल्टा वी बाय वी। लेकिन उसकी वॉल्यूम हमेशा कम ही होती है, इसीलिए क्या लिखा दिया आगे, कौन सा साइन लगा दिया, चीज क्लियर है सबको, यस और नो? यस सर। तो सर आ जाओ, अब आ जाओ ग्राफ पर। तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। तो मैं क्या बोल रहा था, अब चाहे किसी भी तरह का स्ट्रेस है और किसी भी तरह का स्ट्रेन है, मान लो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस है, तो मैंने किसी को खींचा, स्ट्रेस का मतलब मैंने उस पर फोर्स लगी, रिस्टोरिंग फोर्स लगी, खींचते 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 उसकी लेंथ बढ़ी, बढ़ती रही बढ़ती रही। एक टाइम ऐसा आया मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दी, तो वो अपनी शेप में क्या आ जाएगा, वापिस वापिस आ जाएगा। तो वो जो लेंथ में चेंज आया वो है स्ट्रेन, वो है स्ट्रेन। तो पहले स्ट्रेन प्रोड्यूस हुआ क्योंकि लेंथ में चेंज आया, अगर मैंने फोर्स हटा दी तो लेंथ वापिस आ गई अपनी स्टेज पे, तो लेंथ का चेंज वापिस से कितना हो गया, जीरो, वापिस ओरिजिनल लेंथ पे आ गया, यानी स्ट्रेन भी खत्म हो गया। तो पहले केस में क्या हुआ, मैंने स्ट्रेन स्ट्रेस बढ़ाया तो स्ट्रेन भी बढ़ा, स्ट्रेस वापिस हटा दिया मतलब मैं तो एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा, आप समझ जाना, मैं एक्सटर्नल फोर्स लगाऊंगा लेकिन साथ साथ क्या भी बढ़ रही होगी, कौन सी फोर्स, उसकी रिस्टोरिंग फोर्स। और उसी को मैंने क्या बोला, उसी के कारण जो क्वांटिटी यूज हो रहा है वो क्या है, स्ट्रेस, याद है ना सबको। अब मैं अगर एक्सटर्नल फोर्स भी बोल रहा हूं तो तुम क्या समझना उसको, स्ट्रेस समझना, क्या समझना, स्ट्रेस समझना, क्योंकि मैं इक्विलिब्रियम पे बात कर रहा हूं, इक्विलिब्रियम पे चाहे मैं एक्सटर्नल फोर्स बोलू चाहे क्या बोलू, इंटरनल फोर्स बोलू, याद है ना, कल बताया था सबको अच्छे से, बोलो यस और नो, भूल गए, बोलो तो सही, याद है। तो अब ध्यान से देखना, उस पर फोर्स लगी वो खिंच गया सर, उस पर और डिफॉर्मिंग फोर्स लगाई उस पर स्ट्रेस बढ़ा उसका स्ट्रेन भी बढ़ा, उस पर और फोर्स लगाई उसका स्ट्रेस बढ़ा उसका स्ट्रेन भी बढ़ा, और फोर्स लगाई उसका स्ट्रेस बढ़ा उसका स्ट्रेन भी बढ़ा। एक टाइम ऐसा आया और फोर्स लगाई, मैंने क्या कर दिया, किसी भी पॉइंट पे जान दिया, मैंने थर्ड फोर्थ पॉइंट पे पहुंचा, तो मैंने स्ट्रेस मान लो यहाँ पर था 5 यूनिट और स्ट्रेन था कुछ 5 यूनिट ही, तो अगर मैंने स्ट्रेस भी खत्म कर दिया इस पॉइंट पे, मैंने जो भी फोर्स लगा रखी थी डीफॉर्मिंग फोर्स मैंने हटा दी, तो बॉडी वापिस से अपनी शेप पे आ जाएगी, तो उसका स्ट्रेस भी खत्म हो जाएगा और उसका स्ट्रेन भी खत्म हो जाएगा, तो बॉडी वापिस से जीरो पर आ जाएगी। ऐसा ही मैंने फिफ्थ पॉइंट पर किया, फिफ्थ पॉइंट पे मैंने डिफॉर्मिंग फोर्स हटाई, वापिस से बॉडी कहाँ आ गई, अपनी ओ पॉइंट पर आ गई, ओरिजिनल शेप पर आ गई। सिक्स पे भी ऐसा हुआ, सेवन्थ पे भी ऐसा हुआ, फिर थोड़ा सा क्या हुआ, तो मतलब सिक्स से लेकर सेवन तक ए पॉइंट तक मैं कहीं पर भी जाऊंगा तो मेरा स्ट्रेस और स्ट्रेन आपस में कैसे प्रोपोर्शनल रहेगा सर, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर मैं ए पॉइंट तक किसी भी पॉइंट पर डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा दूंगा तो बॉडी वापिस से अपनी क्या आ जाएगी सर, ओरिजिनल शेप में एज इट इज वापिस आ जाएगी, कुछ भी फर्क उसका नहीं होगा, नहीं। अब क्या होगा सर, अब ए से बी तक बॉडी जाएगी लेकिन सर थोड़ा सा ऐसा हुआ, अब इंक्रीज तो हुआ है लेकिन सर कैसा इंक्रीज नहीं हुआ, लीनियर इंक्रीज अब नहीं हुआ। तो सर अभी भी इलास्टिसिटी तो बचेगी लेकिन लीनियर इंक्रीज नहीं है। तो अगर अभी भी कोई तुमसे कहे ना कि बी पॉइंट पर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दो, अभी भी बॉडी वापिस अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाएगी। तो फर्क क्या है सर, फर्क सिर्फ इतना है कि ए पॉइंट तक वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था लेकिन बी पॉइंट, ए से बी के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। क्या ए से बी के बीच में स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इन द सेंस, क्या लीनियर प्रोपोर्शनल है, जैसे जैसे स्ट्रेस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे स्ट्रेन की बढ़ रही है? नो सर, नहीं सर, बढ़ तो रही है स्ट्रेस के बढ़ाने से स्ट्रेन की वैल्यू, लेकिन वो कैसा नहीं बढ़ रही सर, लीनियरली नहीं बढ़ रही, स्ट्रेट लाइन अब नहीं है, लेकिन बॉडी अभी भी इलास्टिक रहेगी। हाँ सर, अभी भी बॉडी इलास्टिक रहेगी। क्लियर है क्या सबको? तो अब इस क्वेश्चन के अंदर मैं तुमसे पूछूं,
तो हुक्स लो बॉडी कहां तक फॉलो कर रही है, ओ से ए या ओ से बी? ओ से ए, ओ से ए, क्योंकि ए से बी उनका लीनियर रिलेशनशिप बच्चे नहीं है। वो कहां से कहां तक है सिर्फ, ए ओ से लेकर ए तक, ठीक। और लेकिन इलास्टिसिटी कहां तक मेंटेन रहेगी सर, ओ से लेकर बी तक। अब बी के बाद ऐसा क्या हो जाता है, बी के बाद थोड़ा सा बॉडी में स्ट्रेस को, अगर मैं स्ट्रेन को ज्यादा कम, स्ट्रेन तो रहेगा, स्ट्रेस को हल्का सा भी बढ़ाऊंगा तो भी स्ट्रेन की वैल्यू चेंज होती रहेगी और फिर ये कुछ ऐसा जाएगा बच्चे, दिख रहा है ऐसा। अब ये क्या होता है सर, बी से लेकर आगे सी पॉइंट भी आएगा, डी भी आएगा और ई भी आएगा। क्या है सर ये सी डी ई, सी पॉइंट पर और डी पॉइंट पर ऐसा क्या है सर? बच्चे सी पॉइंट, बी पॉइंट तक तो बॉडी इलास्टिक रहती है, लेकिन सी पॉइंट पर जैसे ही बॉडी आ जाए, सी के बाद वाले पॉइंट्स पर, अब अगर डी फॉर्मिंग फोर्स हटाओगे तो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप पर वापस नहीं आएगी। अगर डी फॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो बॉडी वापस तो आएगी लेकिन उसकी शेप अब पहले जैसी नहीं होगी, उसकी शेप जो ओरिजिनल वाली थी वो नहीं होगी, यानी अब अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आई। ऐसी चीज को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। क्या बोलते हैं सर इसको? प्लास्टिसिटी क्या होता है सर? इलास्टिसिटी होता था वो चेंज अपनी ओरिजिनल शेप पर आ जाए, प्लास्टिसिटी ओरिजिनल शेप पर ना आए। तो क्या बोलोगे? प्रॉपर्टी ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ विच इट डज नॉट रीगेन इट्स कॉन्फिगरेशन, इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज ऑन रिमूवल ऑफ कौन सी फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। क्लियर है सबको? यस और नो? तो सी से आगे जो भी रीजन होगा बच्चे, सी से आगे हमारे पास क्या होगा इसको, हाँ सी से आगे जो भी रीजन होगा वो कैसा रीजन होगा, इलास्टिक या प्लास्टिक? प्लास्टिक, प्लास्टिक। और ए से, ओ से लेकर बी तक अगर कोई रिलेशन होगा तो वो क्या होगा सर? इलास्टिक। लेकिन ओ से लेकर ए तक की बात करूं तो बॉडी क्या फॉलो कर रही, सिर्फ कौन सा लो? यहाँ पर सी को हम यील्ड पॉइंट भी बोलते हैं और डी को हम अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट भी बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस पॉइंट, और ई को बोलते हैं फ्रैक्चर पॉइंट, कि भाई इससे ज्यादा अगर बॉडी पर स्ट्रेस दिया तो बॉडी की लिमिट भी रीच हो जाएगी, अब वो खत्म सिस्टम सब, वो फ्रैक्चर पॉइंट होता है। डी और ई के बीच के गैप से ही हम बताते हैं कि मटेरियल मेरा ब्रिटल है क्या, मटेरियल मेरा डक्टाइल है। अगर इसका गैप कम हुआ तो ब्रिटल, ज्यादा हुआ तो डक्टाइल, बट हम उसके ऊपर अभी नहीं जाएंगे, जब हम क्वेश्चन करेंगे ना तब बताएंगे आपको। बट अभी के लिए मैं, जब मैं क्वेश्चन करूंगा तो मैं जरूर बताऊंगा कि ये ब्रिटल है या डक्टाइल है, लेकिन अभी नहीं बताना, अभी इसके अंदर नहीं पहुंच रहा, जब हम क्वेश्चन में देखेंगे सब क्लियर हो जाएगा। बट अभी के लिए मैं तुमको ये ग्राफ इसलिए दिखाना चाहता हूं कि तुम्हें ये समझ में आए कि सर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, हुक्स लॉ होता है, लेकिन ये पूरे रीजन में फॉलो नहीं होता, ये सिर्फ एक छोटे से रीजन में फॉलो होता है, जैसे यहाँ पर ओ से लेकर कहां तक फॉलो है, ए तक। उसके बाद सर बॉडी में सिर्फ इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी होती है, नहीं, बॉडी में क्या भी पहुंच सकते हैं सर, कौन सी प्रॉपर्टी भी हो सकती है सर? प्लास्टिसिटी। वो कब होगा सर? इलास्टिक रीजन को जब बॉडी क्रॉस कर जाएगी उसमें बोलेंगे सर कौन सा रीजन है सर, वो प्लास्टिसिटी। अब चाहे सी पॉइंट पर या डी पॉइंट पर, सी से डी के बीच में, मैं सी से डी के बीच में अगर ऐसे बोलूं ना, सी से डी के बीच में, हालांकि प्लास्टिक बोला जाता है, बट आप ऐसे बोल दो कि सी से आगे जो भी रीजन है वो कौन सा रीजन है सर? प्लास्टिक, प्लास्टिक, क्योंकि फिर तो फ्रैक्चर पॉइंट भी आ जाएंगे। तो सी, सी के आगे आप रीजन में अगर बॉडी पे डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दोगे तो वो अपनी ओरिजिनल शेप पे नहीं आएगी, मतलब ये ग्राफ वापिस ओरिजिन पर नहीं आएगा, वो ओरिजिन से कुछ चेंज रह जाएगा, मतलब मैंने स्ट्रेस जीरो कर भी दिया तो भी स्ट्रेन की कुछ ना कुछ वैल्यू रह जाएगी, यानी बॉडी में अभी भी कॉन्फ़िगरेशन में चेंज रह जाएगा, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन पे वापस नहीं पहुंचेगी, क्योंकि अगर ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन में वापस पहुंचती ना बच्चे तो ये ग्राफ यहां पर वापस ना आता, कहां पर वापस आता? सीधा कहां पर वापस आता? ओरिजिन, ओरिजिन पर। इसी का मतलब होता कि स्ट्रेन भी जीरो है, लेकिन स्ट्रेन जीरो
नहीं रहेगी, स्ट्रेन कुछ ना कुछ नहीं बची रहेगी अगर अब तुम फोर्स हटा भी दोगे। इसीलिए तो इस रीजन को क्या बोला है सर, प्लास्टिक रीजन। क्या बोला है सर, प्लास्टिक। लास्ट क्लियर है सबको? तो अब मैं तुमसे एक चीज पूछता हूं, ऐसा पॉइंट बताओ इस ग्राफ में जहां पर स्ट्रेस स्ट्रेन के साथ बढ़ तो रहा हो, है ना, ले और वहां पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दूं तो बॉडी वापस भी आ जाए अपनी ओरिजिनल शेप पे, लेकिन वो डायरेक्टली मतलब लीनियर रिलेशनशिप ना फॉलो कर रहा हो। बताओ, ऐसा पॉइंट बताओ, ध्यान से सुनना, ग्राफ में ऐसा पॉइंट बताओ जहां पर बॉडी इलास्टिक रीजन तो फॉलो कर रहा हो लेकिन लीनियर रिलेशन ना हो स्ट्रेस और स्ट्रेन का। इलास्टिसिटी तो हो लेकिन लीनियर रिलेशन ना हो, बताओ। बी जोर से बोलो, बी बी। से यस सर, बी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहां पर, जो क्वेश्चन में दिख रहा है मेरा, वहां पर बॉडी इलास्टिक रीजन में तो है लेकिन वो स्ट्रेस और स्ट्रेन के साथ लीनियर रिलेशनशिप में नहीं है। क्लियर है सबको? यस सर नो? यस क्लियर है? सर हाँ, अब इतना समझ में आ गया सर। अब बात यस करते हैं सर सर, जब भी हुक लॉ फॉलो होता है, इस ओ से ए रीजन की बात को थोड़ा डीप में करते हैं। आओ, ओ से ए रीजन की बात में। ओ से ए रीजन में हमने बोल रखा है कि स्ट्रेस जो है वो क्या है सर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, स्ट्रेस तो अगर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है तो यहां पर प्रोपोर्शनल आके कांस्टेंट लगेगा सी। इस सी का नाम पता है क्या हो गया, कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी तो है लेकिन क्या है ये, मॉड्यूलस मॉडुलस ऑफ। इलास्टिसिटी यस क्लियर है सबको? यस और नो? सर यस सर तो ये है सर, ये हुक्स लॉ जब फॉलो हो रहा है तो इस केस में मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आ रहा है। तो सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होगा सर? अब सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, रेशो ऑफ स्ट्रेस हाँ, सी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा रेशो यहां से, स्ट्रेस अपॉन, स्ट्रेस अपॉन तो यही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होता है, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। बट सर कौन सा स्ट्रेस, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस का रेशियो या टेंजेंशियल स्ट्रेस या हाइड्रोलिक स्ट्रेस, और स्ट्रेन भी कौन सा सर, लॉन्गिट्यूडनल नॉर्मल वाला, लॉन्गिट्यूडनल वाला, या सर वो वाला कौन सा स्ट्रेन था दूसरा, शियरिंग यस स्ट्रेन या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, सर कौन सा? तीनों। तीनों कैसे सर भाई, अगर स्ट्रेस तीन तरह के, स्ट्रेन तीन तरह के, तो सर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन तरह ये, तो उन तीनों का नाम भी वही होगा सर। आइए, बहुत आसान चीज है ये, लास्ट है, इसके बाद छुट्टी करेंगे आपकी। एक न्यूमेरिकल हल्का सा हिंट दूंगा बस, फिर छुट्टी। आइए सर, तो सर अगर तीन तरह के हमारे पास क्या है, स्ट्रेस है, तीन तरह के स्ट्रेन है, हालांकि स्ट्रेस दो तरह के ही माने जाते हैं, मैंने पहले भी बताया था, तीसरा नॉर्मल स्ट्रेस में ही आता है। तो देखो, तो स्ट्रेस तीन तरह के, तो ये मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी तीन तरह की। पहली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, सबका फॉर्मूला यही रहेगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन स्ट्रेन। तो पहली मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है सर, यंग्स यंग्स मॉडुलस को लिखते हैं वाई से। अब वाई का फॉर्मूला भी सर वही होगा, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, लेकिन कौन सा स्ट्रेस सर, जो पहले पढ़ा था, नॉर्मल मॉडल्स स्ट्रेस अपॉन, कौन सा स्ट्रेन था इसमें, लॉन्गिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो पहला स्ट्रेस था और जो पहला स्ट्रेन था उनकी रेशियो। नॉर्मल स्ट्रेस को कैसे लिखते थे सर, नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया एरिया, और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को फोर्स कैसे लिखते अपॉन थे सर, एरिया लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को डेल्टा चेंज इन एल डेल्टा एल बाय एल। अपॉन अब चाहो तो इस एल को ऊपर ले जाओ, लेकिन मैं नहीं लेके जा रहा क्योंकि तुम ऐसे समझ जाओगे जल्दी। क्लियर है यहां तक सबको, यंग्स मॉडुलस का एल फॉर्मूला देख लो अच्छे से। यंग्स मॉडुलस भी क्या है सर, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है, लेकिन उस केस में जिस केस में स्ट्रेस नॉर्मल वाला है और स्ट्रेन लॉन्गिट्यूडनल वाला है। आइए सर, दूसरा का नाम क्या बोल दोगे सर, शियरिंग, शियरिंग, शियर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, क्या बोलोगे, मॉडल शियर मॉडुलस, उसको कैसे लिखते सर, सिग्मा से लिख सकते हो बट उसको स्ट्रेस से भी लिखते हो, इसका फॉर्मूला क्या लिखोगे शियर मॉडुलस का,
सिग्मा से स्ट्रेस लिखना, बताओ फॉर्मूला क्या लिखोगे इसका? नॉर्मल स्ट्रेस अपॉन नॉर्मल स्ट्रेस, नहीं शियर मॉडुलस में शियरिंग स्ट्रेस आएगा, शियरिंग स्ट्रेस क्या होता था? शियरिंग स्ट्रेस अपॉन कौन सा स्ट्रेन? शियर स्ट्रेन, शियरिंग स्ट्रेन, सिंपल जोन सा स्ट्रेस है वही स्ट्रेन। शियरिंग स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता था, कौन सा? एफ टेंजेंशियल वाला अपॉन एफ एरिया अपॉन ए। और स्ट्रेन का क्या फॉर्मूला होता था इसका, याद करो सर, वो थीटा, क्या होता था थीटा? एक्स, हाँ एक्स अपॉन एच, याद आ गया? यस और नो? देख लो कुछ भी नया नहीं। और तीसरा का नाम क्या हो जाएगा, तुम खुद बता दो। बल्क मॉडुलस, क्या नाम हो जाएगा तीसरे का? बल्क मॉडुलस, बल्क मॉडुलस। तो बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा सर? हाइड्रोलिक स्ट्रेस अपॉन कौन सा स्ट्रेन? कौन सा पढ़ा था सर तीसरा, वो प्रेशर वाला कौन सा था? वॉल्यूमेट्रिक, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। और इसका फॉर्मूला क्या था सर? हाइड्रोलिक स्ट्रेस को तो किससे लिखते थे, डेल्टा P से, एक्सेस प्रेशर। और डेल्टा इसको क्या लिखते थे, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को? माइनस डेल्टा V अपॉन V, माइनस डेल्टा V अपॉन V। तो ये बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला हो जाएगा। क्लियर है क्या सबको? देख लो अच्छे से, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है हमें, आराम से देखो सर। शियर मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, यंग्स मॉडुलस, कब कौन सा यूज करना है आप सबको पता है। जब लेंथ में चेंज हो रहा हो तो कौन सा फॉर्म, कौन सा मॉडुलस होगा? यंग्स। जब वॉल्यूम में चेंज हो रहा हो तो सर? बल्क। और जब मुड़ रहा हो यानी शिफ्ट हो रहा हो तब? शियर मॉडुलस। क्लियर है सबको, यस और नो? लेकिन आज नहीं करेंगे, आज हमारे पास इतना टाइम नहीं है। क्लियर है सबको, चले आगे। हमेशा याद रखना, स्ट्रेस पॉइंट ऑफ एक्शन पर डिपेंड करता है। जिस पॉइंट पर तुम बात कर रहे हो उसी पॉइंट के लिए स्ट्रेस अलग से वैल्यू होगी, और किसी और पॉइंट के लिए उसकी वैल्यू अलग भी हो सकती है। तो पॉइंट ऑफ एक्शन पर डिपेंड करता है स्ट्रेस हमेशा। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल मैं एक हिंट देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन था, मैंने B1 वालों को भी दिया था, तुम भी देखना। क्वेश्चन हम JEE के तो लाए हैं, बाद में करेंगे, लेकिन आज नहीं, पहले कंसेप्ट तो समझ जाए हमें। अरे देखो अब लास्ट चीज है, ये एक सिलेंडर है, दिख रहा है? सिलेंडर टाइप कुछ सरफेस है, दिख रहा है? यस सर, है ना सर? इसी के अंदर मैंने एक छोटा सा, इसके ऊपर फोर्स लगा रखी है दोनों साइड से F। अब इसके एक सरफेस को ऐसे काटा हुआ है, देखो दिख रहा है? ये थोड़ा सा टेढ़ा है, ये याद रखना, थोड़ा सा क्या है, टेढ़ा, बिल्कुल सीधा नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा है ऐसा। इस शेडेड रीजन पर क्या बताना है तुमको? नॉर्मल स्ट्रेस। कैसे बताओगे? तो याद रखना, जिस रीजन की बात कर रही है उस रीजन को काट लो पहले, तो काट लिया सर। अब इस रीजन पे अगर मेरे को नॉर्मल स्ट्रेस बताना है, तो नॉर्मल स्ट्रेस हमेशा क्या होगी सर, उसका फॉर्मूला क्या होता है सर? नॉर्मल फोर्स अपॉन एरिया, यही होता है। अब पहले नॉर्मल फोर्स एरिया के, अगर किसी भी चीज का एरिया निकालना होता है तो उसके एरिया वेक्टर उसके हमेशा क्या रहता है, उसके परपेंडिकुलर, ये होता है, ये होता है एरिया वेक्टर। तो एरिया तो ये है, इसका एरिया दे रखा है ये वाला, ये वाला एरिया, इस क्रॉस सेक्शन का एरिया दे रखा है ए, इस डायरेक्शन में। तो हमें तो बात ए की नहीं करनी, हमें तो ए, इसका नाम कुछ भी दे दो, ए ऑफ क्या लिख दूं मैं, ए डैश लिख दिया, इस बच्चे ने बोल दिया, तो ए डैश, ए डैश के लिए मेरे को निकालना है। मेरा तो एरिया क्या ए है, मेरा तो एरिया कितने, कौन से वाला है सर? ए डैश, क्योंकि हमेशा एरिया सरफेस के क्या होता है सर, एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर। तो ये सरफेस ऐसे बनाया तो इसका परपेंडिकुलर तो ये है। अब एरिया अगर थोड़ा सा, सरफेस अगर थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो उसका परपेंडिकुलर भी तो क्या हो जाएगा, थोड़ा सा टेढ़ा। अगर इसको बिल्कुल सीधा ऐसे कर दूं तो इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, हाँ या ना? देख पा रहे हो? तो सर अब इस एरिया के, ये जो फोर्स होती है स्ट्रेस के अंदर जो निकालता हूं मैं, वो एरिया के कैसे होती है,
परपेंडिकुलर। तो अगर मेरे पास जो फोर्स लग रही है वो तो ऐसे लग रही है सर, ऐसे तो फोर्स तो चेंज होने नहीं वाली, तो फोर्स तो ऐसे लग रही है, तो फोर्स ऐसे लग रही है। तो सपोज करो ये कितने एंगल पर है, ये दोनों एंगल, ये दोनों एंगल थीटा पर है मान लो, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया की एक्सिस आपस में थीटा एंगल पर है। तो मेरे को जो एरिया निकालना है वो तो ए डैश का लिखना है, ठीक है। और सर मेरे को एरिया ए कौन सा दे रखा है, क्या ये वाला एरिया दे रखा है ए? यस और नो? देखो ए की डायरेक्शन यही दे रखी है ना, बिल्कुल सीधी। तो मेरे को अभी पूरा समझ में नहीं आएगा, इसलिए होमवर्क दूंगा, ध्यान से सुनना। मेरे को बात करनी है, मेरे को तो किसके लॉन्ग निकालना है, ए डैश के परपेंडिकुलर निकाल लिया ना फोर्स। तो मैं ऐसा करता हूँ, पहले ए डैश की वैल्यू निकालता हूँ, या मैं ऐसा लिखता हूँ एफ नॉर्मल, लेकिन मेरे को एरिया ए नहीं लेना, एरिया कौन सा लेना है बच्चे, ए डैश। तो पहले नॉर्मल फोर्स निकालता हूँ, वो ए डैश के परपेंडिकुलर होनी चाहिए, ठीक है सर। तो ये जो फोर्स है सर, इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट तो सर ये थीटा वाला हो जाएगा, इसी को क्या बोलते, ये थीटा के अलोंग हो जाएगा, सॉरी ये वाला कितना हो जाएगा एफ एफ कोस थीटा, और दूसरा एफ कोस थीटा के क्या बिल्कुल परपेंडिकुलर, वो क्या होगा सर, एफ साइन थीटा, साइन थीटा। सर ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा मेरा एफ साइन थीटा। अब मेरे को जो फोर्स लेनी है वो एरिया ए डैश के परपेंडिकुलर, बताओ ए डैश के परपेंडिकुलर कौन सी है, एफ साइन थीटा, एफ साइन थीटा। तो स्ट्रेस का फॉर्मूला हो जाएगा एफ साइन थीटा बाय ए डैश। क्लियर है क्या सबको? बट अभी आपको ए डैश की वैल्यू भी क्वेश्चन में नहीं गिवन, तो वो कैसे निकालोगे, ए डैश कैसे निकालोगे भाई? हमें ए की डायरेक्शन, मैं दोबारा बना रहा हूँ यही फिगर, ए डैश की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को सर हमारा इसका एरिया तो ए डैश तो ये है, क्योंकि वो सरफेस के परपेंडिकुलर, लेकिन मेरे को जो एरिया गिवन है येलो वाला वो इस डायरेक्शन में है क्या? यस और नो? यस सर। यस सर। तो अगर मेरे को ए डैश की वैल्यू ए की फॉर्म में निकालनी हो तो नहीं निकाल सकता? निकाल सकता हूँ सर। ए क्या है सर, ए डैश का कौन सा कंपोनेंट ए के इक्वल है, ध्यान से देखो, ए कोस थीटा। वेरी गुड। ए डैश का जब कंपोनेंट करोगे तो इसका एक कंपोनेंट यहाँ नहीं आएगा, कौन सा आएगा, वो ए कोस थीटा। यही ए कोस थीटा, तो किसके, क्योंकि हमारा एरिया एक ए यहाँ है और हमारा असली एरिया है ए डैश। तो मैंने देखा ए डैश का जो ए कोस थीटा है वही ए के इक्वल आ रहा है, तो मैं लिख दिया ए कोस थीटा किसके इक्वल, एक्चुअल में ए डैश का, ए डैश का कंपोनेंट है ना, तो ए डैश कोस थीटा किसके इक्वल है, ए के। तो मेरे को तो ए डैश निकालना है, वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए अपॉन कोस थीटा। तो यहां पर अब नॉर्मल स्ट्रेस अगर मैं लिखूं, ध्यान से देखना, किसके इक्वल हो जाएगा, एफ साइन थीटा तो वही है, ए डैश की जगह क्या लिख दिया, ए अपॉन कोस थीटा, वो कोस थीटा डिवाइड के डिवाइड में, तो कहां आ जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई। तो ये नॉर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला होता है, क्लियर है? Yes, sir. अब जिसको समझ नहीं आया तो देखो, एरिया तो चेंज होगा नहीं, चाहे कोई भी स्ट्रेस हो, चाहे लॉन्गिट्यूडनल हो, चाहे टेंजेंशियल हो, चाहे वॉल्यूमेट्रिक वाला हो, या मतलब हाइड्रोलिक वाला हो। अब मैं तुमसे नॉर्मल स्ट्रेस तो निकाल लिया, अब तुमसे अगर मैं पूछूं क्या निकालो, कौन सा स्ट्रेस बच्चे, टेंजेंशियल स्ट्रेस, अब कैसे निकालोगे? टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला लिखना क्या होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेस का फॉर्मूला, एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया। हां, एफ टेंजेंशियल अपॉन एरिया। अब एरिया क्या लिखना है, लेकिन ए डैश, ए डैश। अच्छा सर, ए डैश की तो वैल्यू हमें पता ही है सर, कितनी है, ए अपॉन कॉस, ए अपॉन कॉस। एफ टी की वैल्यू पता लग जाए तो बात पता चल जाए, एफ टी जो सरफेस के टेंजेंशियल हो, सरफेस के, हमारा सरफेस है शेडेड वाला, उसके टेंजेंशियल कौन सी फोर्स लग रही है, ध्यान से देखो, सरफेस के अलोंग कौन सी फोर्स लग रही है, एफ साइन थीटा या एफ कोस थीटा, एफ साइन थीटा, एफ कोस थीटा, सरफेस के अलोंग। सरफेस हमारा कौन सा है, एरिया, एरिया हमारा कौन सा है, ए क्या, ए डैश, ए डैश के परपेंडिकुलर कौन सी फोर्स, ए डैश के पैरेलल कौन सी फोर्स लग रही है, एफ कोस थीटा, एफ कोस थीटा।
तो यहां पर क्या लिख दूंगा मैं, एफ कोस थीटा अपॉन ए अपॉन कोस थीटा। क्लियर है सबको? यस और नो? ये क्या हो जाएगा सर? सिंपल, एफ कोस स्क्वायर थीटा अपॉन। क्लियर है सबको? यस और नो? यस सर। ऐसे निकाल yes, ऐसा ही एक क्वेश्चन तुम्हें अब होमवर्क में दूंगा, बस तुमको ये पता करके आना है कैसे निकालोगे, ट्राई करके आना। अच्छा क्वेश्चन है ये, दिख रहा है? यस सर। ये क्वेश्चन ये है, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस दे रखी हैं आपको, और आपको बताना है सर इनके ऊपर शियरिंग स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल मतलब वही कौन सा स्ट्रेस? नॉर्मल स्ट्रेस। लेकिन normal कौन से एरिया पर निकालना है? सिर्फ ए से बी वाले एरिया पर, दिख रहा है? ए बी वाले पे, सिर्फ सेक्शन ए बी। ट्राई करके आना, मुझे पता है मुश्किल है होना, लेकिन एक बार ट्राई करके आना। आज के लिए यही होमवर्क है, और जो रिवाइज है करना है वो करके आना बस। क्लियर है? यस सर। आज के लिए यही करके आना, किसी को अभी तक कोई डाउट है तो पूछो। यंग मॉडुलस, शियर्स मॉडुलस, इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, कुछ भी, जो भी हमने करा है उसमें कुछ पूछना है? नो सर। ठीक है बच्चे, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर मिलते हैं सर आपसे। ठीक, बाय बाय। यस सर, बाय सर। बाय सर। बाय 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 सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट।